अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओड ऑन इंडोलेंस पर बात करेंगे। जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट्स में बहुत ही आला मुकाम हासिल है। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोमांटिक पोएट्स, और जो दूसरी जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स हैं उनमें कीट्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। जॉन कीट्स के ओड्स बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और आज भी मुख्तलिफ पढ़ने वाले क्रिटिक्स नाकदीन इन ओड्स को लिटरेचर का आला शहकार समझते हैं, इनको मास्टरपीस जो है वो गर्दाना जाते हैं। अब ओड ऑन इंडोलेंस, एक्चुअली इंडोलेंस लेजीनेस को बोलते हैं, सुस्ती को बोलते हैं, आइडलनेस को जो है वो बोलते हैं। रोमांटिक पोइट्री की जहाँ बहुत सारी खसूसियात हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी खसूसियत, उसे आप जो है वो ड्रॉबैक कह लें, वो ये है कि रोमांटिक पोएट लाइफ के डे टू डे प्रॉब्लम से भागते थे और वो हमेशा किसी ना किसी तरह के एस्केप की तलाश में रहते थे। एक्चुअली इस एस्केप की बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह वो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी और अर्बनाइजेशन थी ऑफ इंग्लैंड विच वाज टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम। उस अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंसान की जो बेहतरीन डेफिनेशन वो मशीन की तरह से बना दी थी। तो लोगों में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके पास जो है वो कुछ फ्री टाइम हो और उस फ्री टाइम में वो अपने जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनसे दूर जो है वो जा सकें। लेकिन कीट्स की ज़िंदगी के कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस भी थे। उन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ने कीट का एक ख़ास बेंट ऑफ माइंड बनाया और उसका चीज़ों की तरफ रिएक्शन जो है वो एक मखसूस किस्म का है, और उस मखसूस रिएक्शन की वजह से कीट्स को आज बहुत सारे लोग जो है वो पसंद भी करते हैं। और वो मखसूस जो रिएक्शन है, वो मखसूस रिस्पॉन्स है जो कीट्स का आया उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में, जिनके सामने वो अपने आप को जो है वो बेबस पाता था। उसकी बाद में आने वाले लोगों ने जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा तारीफ भी की। लेकिन इसके बावजूद कीट्स की पोइट्री अगर हम जो इसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अपनी इमेजरी, अपनी सेंसुअसनेस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो इसमें जो ड्रामेटिक क्वालिटी है। अदरवाइज अगर कीट्स को हम एज एन इंडिविजुअल देखें तो एज एन इंडिविजुअल कीट्स बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं था। वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन एक किस्म की जो है वो फेलियर था। अब वो फेलियर की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उसके अपने स्पेशल किस्म के सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। ही वॉज वेरी यंग वेन हिज फादर डाइड, उसके बाद उसकी फैमिली को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। उसकी अपनी फील्ड भी वो इतनी ज़्यादा अच्छी ना चल सकी क्योंकि ही वॉज अ डिवाइडेड पर्सनैलिटी। देन वो कंटिन्यूस जो डिजीज़ है, सिकनेस है, इलनेस है, एलमेंट है उसकी फैमिली में जो मौजूद थी, जाहिर है उसने भी उसके माइंड को जो है वो शेप किया। इसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ हादसात ऐसे भी हुए कि अगर वो सर्कमस्टेंसेस, वो हादसात ना होते तो कीट्स काफ़ी फ्रूटफुल किस्म की ज़िंदगी गुजारता। अब ये जॉन कीट्स ने इस ओड को बहुत मशहूर लाइन, बिब्लिकल लाइन है, दे टॉयल नॉट नाइदर डू दे स्पिन। अब परहैप्स दिस वाज समथिंग अबाउट द प्लांट्स, समथिंग अबाउट द ट्रीज, के दरख्तों को कुछ, ये वेजिटेबल वर्ल्ड है, इनको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इंसान ये जो उसे मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, उस मशक्क़त के बगैर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। इस पोएम में आप जो है वो कीट्स के जो मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं इंडोलेंस के बारे में, और लाइफ में जो तीन चीज़ें थी, जो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर थी,
जिसके साथ किड्स को जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ही फेल्ड ऑन इन दोज थिंग्स, उनकी तरफ उसका जो है वो एटीट्यूड है. ऑफ कोर्स जब आप जो है वो कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हो, आपका जो है इस किस्म का एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है. जिस किस्म का एटीट्यूड, जिस किस्म का रिस्पॉन्स किड्स जो है वो इन चीज़ों को देता है. हम इस पोएम को देखते हैं, फिर इसके बाद जो है वो देखेंगे कि इसमें क्या पॉइंट्स जो है वो रेज किए गए हैं. सेंडर वाइज हम इस पोएम को स्टडी करते हैं. किड्स लिखता है कि वन मॉर्न बिफोर मी वर थ्री फिगर्स सीन, कि एक दिन मैंने अपने सामने तीन शक्लें जो है वो देखी, तीन जिस्म थे जो मेरे सामने जो है मुझे जो है वो नजर आए. अच्छा, अब वो क्या, विद बोर्ड नेक्स, उनकी गर्दनें जो झुकी हुई थी, एंड जॉइंट हैंड्स, हाथ उनके जो है वो आपस में मिले हुए थे, साइड फेस्ड यानी वो देवर नॉट फेसिंग मी, मेरी तरफ उनका चेहरा नहीं था, एंड वन बिहाइंड द अदर स्टेप्ड सरीन, और वो एक दूसरे के पीछे बड़ी संजीदगी से चल रहे थे. देवर प्रेजेंटिंग देमसेल्व टू बी वेरी सीरियस फिगर्स इन प्लेसर्ड सैंडल्स. प्लेसर्ड अब जो है वो आपको पता है वेरी कंफर्टेबल किस्म के शूज उन्होंने पहने हुए थे, इस किस्म के शूज जो कोई शोर नहीं करते, एंड इन व्हाइट रोब्स ग्रेस्ड, सफेद कपड़े जो है वो पहने हुए थे. अब ये कलर वर्ड्स दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये एडजेक्टिव्स जो कीट्स यूज करता है इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब हिज नाउन्स दे आर सिग्निफिकेंट. इन पे काफी ज्यादा कंसंट्रेट जो है वो किया जाना चाहिए अगर आप इस किस्म की पोएम्स को, कीट्स की पोएट्री को इंजॉय करना. द पास्ट, गुजर गए वो लाइक फिगर्स ऑन अ मार्बल अर्न, इस तरह से थे जिस तरह से वो कोई मार्बल, संगमरमर का जो है वो कोई बर्तन होता है उसके ऊपर जो संगमरमर की जो सुराही होती है उस पे जिस तरह से जो है ये तस्वीरें होती हैं, इस तरह से वो लग रहे थे. व्हेन शिफ्टेड राउंड टू सी द अदर साइड, यानी जब आप उस अर्न को, उस सुराही को घुमाते हैं तो फिर ये शक्लें जो आपके, दे केम अगेन, दोबारा आगे, एज वेन द अर्न वंस मोर इज शिफ्टेड राउंड, जब जिस तरह से जो है उस सुराही को जो है घुमाया जाता है तो वो आ जाता है. द फर्स्ट सीन शेड्स रिटर्न, पहले वाला जो रंग जो चीज आपने देखी होती है वही दोबारा आ जाती है. एंड देवर स्ट्रेंज टू मी, वो मेरे लिए अजनबी थे, यानी जो भी वो फिगर थी तीन किड्स, आगे जाके जो है हमें बताएगा कि ये फिगर तीन जो फिगर जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती थी, और वो कहते हैं कि ये मेरे लिए अजनबी थे. एज मे बी टाइड विद वेसेज टू वन डीप इन फिडियन लोर, यानी जिस तरह से जो बंदा समझ नहीं सकता, एक ऐसा बंदा जिसे जो है ये स्कल्प्टर जो मुजस्मा साजी का नॉलेज है उसका ज्यादा पता नहीं होता, जिस तरह से वो बंदा जो है इन चीजों को नहीं समझ सकता, मैं भी उन चीजों को नहीं समझ सकता था. तो इस फर्स्ट सेंजा में आप पोएट का एटीट्यूड टूवर्ड द फिगर, जिनको वो बाद में डिस्क्राइब करेगा, वो बड़ा क्लियर होके हमारे सामने जो है वो आता है. लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इमेजेस जो कीट्स ने इस स्टैंजा में जो है वो क्रिएट किए हैं. ऑफ कोर्स कीट्स को उन पोइट्स में शामिल किया जाता है जो इमेजेस किंग समझे जाते हैं, बहुत अच्छे इमेजेस, बहुत विवर्ड किस्म के, क्लियर किस्म के इमेजेस बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा जो है वो देखें, हाउ इज इट शेडोज, कैसे उनको शेडोज बोला, दैट आई न्यू ई नॉट, उनसे डिस्क्राइब कर रहा है किस्म का जो है वो ड्रामेटिक डायलॉग है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, हाउ केम ई मफल्ड इन सो हश अ मास्क, यानी कैसे तुम इतनी खामोशी से ये मास्क पहन के आगे, कि आई कैन नॉट रिकोगनाइज यू, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई यू, आई हैव फेल टू आइडेंटिफाई यू, क्यों मैं तुम्हें पहचानने में नाकाम क्यों हुआ. वॉज इट अ साइलेंट डीप डिस्गाइज प्लॉट, यानी ये कोई इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी थी जो जिसको जो है मैं अनअर्थ नहीं कर सका, जिसको मैं जो है वो समझ नहीं सका, टू स्टील अवे, चोरी करने के लिए, एंड लीव विदाउट अ टास्क माई आइडल डेज, अब ये आइडल डेज के बेकार दिन जो है मैं गुजार रहा था, और फिर इसके अगर जो है वो मुझे तुम्हारा जो है वो पता चल जाता तो फिर तो मेरे पास बिल्कुल भी कोई काम नहीं रहना था. ड्राइव वॉज द ड्राउजी आवर, अब वो उस वक्त को बता रहे हैं कि वो जो गनूदगी का वो वक्त था वो अपनी मेच्योरिटी पे था, अपनी पीक पे था. किड्स जो है वो ही वॉज फुली इन द ग्रेप ऑफ दैट ड्रोजीनेस,
उस गनूदगी के पूरी ग्रिप में था, वो नंबनेस उसके जहन पे पूरी तरह से छाई हुई थी। द ब्लिसफुल क्लाउड ऑफ समर इंडोलेंस, अब इसको जो है वो इंडोलेंस मौसम गर्मा की जो सुस्ती है उसको उसने ब्लिसफुल क्लाउड बादल जो है वो बोला, बी नम्ब्ड माई आईज, यानी इसने क्या किया था मेरी आंखों को जो बंद किया था, माई पल्स ग्रियू लेस एंड लेस, और नब्स भी जो है वो बहुत आहिस्ता चल रही थी। एक्सक्यूज मी, इट इज पॉसिबल दैट कीट्स वॉज सफरिंग फ्रॉम वेरी सवियर बॉट्स ऑफ डिप्रेशन, एंड परहैप्स ज्यादातर लोग उस वक्त इस बीमारी से इतनी अच्छी तरह से, या इसकी जो लेथलिटी है, जो इसकी मॉर्टल क्वालिटी है, उससे इतने ज्यादा वाकिफ नहीं थे। तो ये इस किस्म की सिचुएशन जो है उसकी हो जाती है। पेन है नो स्टिंग, यानी कोई दर्द महसूस नहीं होता, एंड प्लेयर्स रीथ नो फ्लावर, और खुशी जो है वो उसके भी कोई फूल नहीं थे, यानी कोई ऐसी चीज महसूस नहीं होती थी। ही वॉज अबव बोथ पेन एंड प्लेयर। वाई डिड ई नॉट मेल्ट एंड लीव माई सेंस अनहॉन्टेड क्वाइट ऑफ ऑल बट नथिंगनेस। अब वो उन फिगर्स से जो है वो कह रहा है कि तुम चले क्यों नहीं जाते हो, मुझे जो है वो मेरी हालत में छोड़ क्यों नहीं देते हो। अब ऑफ कोर्स ही इज बिल्डिंग अ सस्पेंस, सस्पेंस बना रहा है, और आगे जाके जो है उन फिगर्स को जब जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा तो दे विल बी मोर सरप्राइजिंग देन दे शुड हैव बीन इफ ही हैड टॉक्ड अबाउट देम इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा इन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। ओके, थर्ड स्टैंजा, अ थर्ड टाइम पास दे बाय, तीसरी मरतबा फिर वो आ गए, एंड पासिंग टर्न्ड ईच वन द फेस अ मोमेंट वायलेंस टू मी, और जब वो गुजर रहे थे इन सब ने मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए जो है वो देखा, देन फेडेड फिर चले गए, एंड टू फॉलो देम आई बर्न, और मैं उनके पीछे जो है वो जाना चाहता था। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर इन मी दैट आई शुड फॉलो देम, आई शुड गो आफ्टर देम एंड एक्ट फॉर विंग्स, और क्या ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे मेरे में पर होते मेरे पास जो है, मैं उड़ के इनके पास जो है वो जाता, इनके पीछे जाता, बिकॉज आई न्यू दी थ्री, क्योंकि अब जो है उसको इनकी रिकग्निशन जो है वो हो चुकी थी, अब वो उनको पहचान चुका था, उसने उनको आइडेंटिफाई कर लिया था। द फर्स्ट वॉज अ फेयर मेड, पहले को उसने जो है वो फेयर मेड खूबसूरत दोशीजा बोला है, एंड लव हर नेम, क्या था उसका नाम जो है वो मोहब्बत था। ये लव आपको पता है किड्स की जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अनफुलफिल्ड डिजायर जो है वो सारी जिंदगी जो है उसकी रही। द सेकेंड वॉज एम्बिशन, दूसरी जो है वो एम्बिशन थी, कोई काम करने का शौक, एंड पेल ऑफ चीक, और ये भी पेल ऑफ चीक दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि इसमें कोई लाइफ नहीं होती, इट इज समथिंग अनइम्पोर्टेंट, एंड एवर वॉचफुल विद फटीक डाई, और ये कभी भी पूरी नहीं होती, यानी ये अनफुलफिल्ड विशेज, ये कीट्स की जिंदगी का एक बहुत बड़ा जो है वो डिलीमा था। द लास्ट होम आई लव मोर द मोर ऑफ ब्लेम, और आखिरी जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और जिसपे जो है वो सबसे ज्यादा इल्जाम आता है मेरी सिचुएशन का, इज हीप्ड अपॉन हर मेडन मोस्ट अनमीक, ये जो नौजवान, और अनमीक का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये इट दिस वर्ड हैज बीन काइंड इन अ वेरी इमेजिनेटिव वे, आई न्यू टू बी माई डैमन पोएजी, यानी ये क्या थी, मेरी पोइट्री थी, मेरी शायरी, जिसके बारे में अब ये किड्स आप समझ सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों में, लव में ही फेल्ड, एम्बिशन ही वॉन्टेड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग रियली बिग इन ऑर्डर टू मेक अ डिफरेंस, बट ही डिड नॉट सक्सीड बिकॉज ही डिड नॉट गेट इनफ टाइम, his life was cut short by the disease which was prevailing in his family and which did not have any treatment at that time. उस वक्त उसकी कोई इलाज वगैरह जो है वो नहीं था। फिर उसके बाद उसकी जो है वो एक पोइट्री की वजह से, उसने पोइट्री, ही वॉन्टेड मोर देन एनी थिंग एल्स, ही वॉन्टेड टू बी अ पोएट, लेकिन पोइट्री की वजह से उसे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज होना पड़ा, लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज किया, और इसकी वजह से डिप्रेशन जो है वो उसके प्रॉब्लम मज़ीद बढ़े, पोइट्री ने कोई उसे उसके जो सर्कमस्टेंसेस थे उनसे किसी किस्म का एस्केप जो है वो नहीं दिया। वेल लास्ट नेक्स्ट स्टैंजा हम जो है वो देखते हैं, दे फेडेड चले गए वो, एंड दे फेडेड
चले गए एंड फोर्सोथ आई वांटेड विंग्स, और मुझे विंग चाहिए थे, मैं जाता था, जाना चाहता था उनके पीछे। ओ फूली व्हाट इज लव, अब जो है वो नेक्स्ट थॉट उसके जहन में जाता, क्या तो मोहब्बत जो है वो है क्या, एंड वेयर इज इट, है कहाँ पे ये, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, एंड फॉर दैट पुअर एम्बिशन, और जहाँ तक ये ख्वाहिश का ताल्लुक है, इट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ मैनज लिटिल हार्ट शॉर्ट फीवर फिट, और ये भी इंसान के जो है वो दिल से थोड़ी देर के लिए जो है वो पैदा होती है, उसके दिल से जो है वो निकलती है फिर खत्म हो जाती है। फॉर पोएजी नो शी हैज नॉट जॉय, अब शायरी में उसे बिल्कुल जो है वो खुशी नहीं मिली थी, ऑफकोर्स ही वॉज क्रिटिसाइज सुवियरली बाय द क्रिटिक्स ऑफ हिज टाइम, और तरह तरह के अलकाबात उसकी पोइट्री के बारे में जो है वो दिए गए, उसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया एज अ पोएट एट लीस्ट इन हिज लाइफ टाइम, एट लीस्ट फॉर मी, कहते कम अज़ कम मेरे लिए जो है वो ऐसा हुआ है, दूसरे लोगों ने जो है वो इससे कुछ नाम लिया होगा, कुछ काम लिया होगा, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ। सो स्वीट एज ड्रॉजी नून, और ये जो नून है जिसमें नमनस है, ये दोपहर का जो वक्त है, एंड इवनिंग्स और शाम, स्टेप्ड स्टीप्ड इन हनीड इंडोलेंस, ये हनीड यानी शहद, बड़ा अच्छा किस्म का जो है वो ये इन्वायरमेंट है जिसमें जो है मैं रह रहा हूँ, इसके बावजूद जो है मैं इनके पीछे जो है वो जाना चाहता हूँ, तो इस बात को उसने जो है वो अपनी इस बात को बेवकूफ़ी कहा है। ओ फॉर एन एज सो शेल्टर्ड फ्रॉम इनोए, अब जिस किस्म की सिचुएशन में अपनी इंडोलेंस को जो है वो कह रहा है कि जिस किस्म की सूरत हाल में मैं हूँ, इस पे कोई हसद भी नहीं कर सकता, इससे कोई जल भी नहीं सकता, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस के इस तरह से एक बिल्कुल क्या व्हाट दे कॉल के एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कुछ भी नहीं है, तो उस पे कोई हसद भी नहीं करेगा, लेकिन जिसके पास जो है वो कुछ नहीं होता, वो ही कंसीडर हिमसेल्फ टू बी अ वेरी मच ब्लेस्ड क्रीचर। अच्छा ओके नेक्स्ट सेंदा जो है वो जब आप देखते हैं, एंड वंस मोर केम दे बाय, एक मर्तबा फिर आए, बार बार जो है वो जिंदगी में ये चीज़ें जो है वो आती रहती हैं, अलास वेयर फोर, क्यों आए, माई स्लीप हैड बीन एम्ब्रॉयडर्ड विद डिम ड्रीम्स, मेरी नींद में जो है वो ख्वाब थे, माई सोल हैड बीन अलॉन बी स्प्रिंकल्ड ओवर विद फ्लावर्स, मेरी रूह जो है वो एक ऐसा लॉन बन गई थी जिसमें फूल ही फूल पड़े थे, एंड स्टीरिंग शेड्स और साए थे, एंड बैफल्ड बीम्स और बैफल्ड बीम्स यानी शुआएं इस किस्म की सिचुएशन में थी। द मॉर्न वॉज क्लाउडेड बट नो शावर्स फेल, यानी आसमान पे जो बादल थे लेकिन बारिश नहीं हुई थी। दो इन हर लीड्स हंग द स्वीट टीयर्स ऑफ मे, यानी अगरचे मई के आंसू थे इसके पलकों में, किसकी पलकों में, वो जो मौसम था वो सुबह थी उसकी पलकों में, देखें ये कितने अच्छे अंदाज में जो है वो सुबह को परसोनिफाई जो कह दिया गया है, कर दिया गया है। द ओपन केसमेंट प्रेस्ड अ न्यू लीव्ड वाइन, और ये जो खिड़की थी खुली हुई, इसमें जो एक नई अंगूर की बेल जो नजर आ रही थी, लेट इन द बडिंग वार्मथ, और इसमें से जो वो गर्मी, वो गर्म जोशी जो है वो आ रही थी, वो गर्मी जो मौसम में जो है वो एक किस्म की एंथ्रोस्टल्स ले, और आवाज़ें आ रही थी कुछ चीज़ों के जो है वो गाने की। ओ शेडोज इट वाज अ टाइम टू बिड फेयरवेल, अब वो उन शेडोज से कह रहा है कि अब ये वक्त था कि तुम जाओ, अब तुम्हारी जिंदगी, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अपॉन यूर स्कर्ट्स हैड फॉलन नो टीयर्स ऑफ माइन, यानी आई डू नॉट केयर फॉर यू, मुझे तुम्हारी जो है वो कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी से वट एवर इट इज़ आई एम सेटिस्फाइड विद इट। ये एक किस्म की जो है वो रिकन्सिलिएशन है जो कीट्स ने अपने सर्कमस्टेंसेस के साथ जो है वो पैदा कर ली थी, और एक तरह से ये रिकन्सिलिएशन कीट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी, क्योंकि इसने उसकी ज़िंदगी को जो है वो लेस पेनफुल एंड मोर बेयरेबल जो है वो बना दिया था। ओके लास्ट स्टैंजा, सो ई थ्री गोस, अब उनको जो है वो भूत जो है वो कह रहा है, आडियो फेयरवेल अल्लाह हाफिज, ई कैन नॉट रेज माय हेड कूल बेडेड इन द फ्लोरी ग्रास, यानी तुम मेरा सर नहीं उठा सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यू कैन लीड मी आफ्टर मी और यू कैन ड्रैग मी आफ्टर यू, क्या है कि माई हैड कूल्ड बेडेड इन द फ्लोरिंग, यानी जिस तरह से मैं घास पे जो है वो लेटा हूँ, आई एम एंजॉइंग माई सिचुएशन वेरी मच, फॉर आई वुड नॉट बी डाइटेड विद प्रेज,
नहीं चाहूंगा कि मुझे जो है वो कोई तारीफ मिले, कोई इस तरह से अप्रिसिएशन जो है वो मिले। अ पेट लैम्ब इन सेंटिमेंटल फार्स। अब ये प्रेज को उसने जो है वो पेट लैम्ब जो है वो बोला है, और लाइफ को जो है वो सेंटिमेंटल फार्स, एक किस्म का जो जज्बाती किस्म का ड्रामा जो है वो बोल दिया, विच इज नॉट रियल। फेड सॉफ्टली फ्रॉम माई आईज। अब उन्हें कह रहा है कि मेरी आंखों से जो है वो चले जाओ। एंड बी वंस मोर इन मास्क लाइक फिगर्स ऑन द ड्रीमी अर्न। और दोबारा फिर उसी तरह की फिगर्स बन जाओ, उसी तरह की शक्लें बन जाओ जो एक सुराही पे जो है होती हैं। फेयरवेल, खुदा हाफिज। आई येट हैव विजन्स फॉर द नाइट। अभी तो मैंने रात के ख्वाब भी मेरे पास जो है वो पड़े हुए हैं। एंड फॉर द डे फेंट विजन देयर इज स्टोर। और दिन के भी ख्वाब जो है वो अभी वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाकी हैं। वैनिश ई फैंटम्स, तुम चले जाओ। फैंटम्स सायों को बोलते हैं। फ्रॉम माई आइडल स्प्राइट, ये जिस किस्म की मैं बेकार हूँ लेकिन इस वक्त फ्री हूँ, उस इंजॉयमेंट में हूँ। इन टू द क्लाउड्स एंड नेवर मोर रिटर्न। और यानी बादलों में चले जाओ और कभी भी दोबारा जो है वो वापस नहीं आना। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस पोएम को, ये पोएम पढ़ाई जाती है एमए इंग्लिश के सिलेबस में इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हियर। तो इस पोएम में कीट्स की पोइट्री की काफ़ी सारी खसूसियात जिनकी वजह से कीट्स जो है वो मशहूर है वो मिलती हैं। लाइक कीट्स की एक पोइट्री की जो बहुत बड़ी खसूसियत है वो एस्केपिज्म है। वो डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ से भागता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी किस्म की सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो उसके लिए मोर कंफर्टेबल है, वहाँ वो रिफ्यूज सेक करता है। वहाँ पे वो शेल्टर जो है वो देखता है अपने लिए। फिर उसके अलावा कीट्स जो है वो माजी में, स्पेशली ग्रीक पास में, यहाँ पे भी ग्रीक फिडियन लोर के बारे में जो है वो बात की है। स्कल्प्टर, ओल्ड स्कल्प्टर, आर्ट, लिटरेचर, इस किस्म की चीज़ों के बारे में जो है वो पना लेना चाहता था। देन कीट्स की पोइट्री जो है वो अपने इमेजेस की वजह से मशहूर है। और कीट्स के जितने भी इमेजेस हैं ये एक अजीब किस्म की सेंसुअसनेस क्रिएट करते हैं इन द रीडर्स, जो पढ़ने वाले होते हैं उसकी पोइट्री को, उनमें एक किस्म की सेंसुअसनेस जो है वो पैदा होती है। फिर कीट्स की पोइट्री बेसिकली इमेजिनेशन पे बेस है। वो इमेजिनेशन के ज़रिए जो है वो बात करता है। अकॉर्डिंग टू हिम द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इज़ परफेक्ट देन द रियल वर्ल्ड, कि इमेजिनेशन तसव्वुर की दुनिया जो है वो मुकम्मल है असल दुनिया की निस्बत। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ कीट्स की इस पोएम में नज़र आती हैं। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग सम अदर पोएम बाय कीट्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इफ़ यू थिंक दिस काइंड ऑफ वीडियो लेक्चर्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लिटरेचर एंड एनी वे यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग दिस काइंड ऑफ मटेरियल कंटिन्यूसली ऑन यूट्यूब। अल्लाह हाफिज़।